हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको बता रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हम मैग्नेट के बारे में बताए थे, मैग्नेटिक लेंथ के बारे में बताए थे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बारे में बताए थे, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज के बारे में बताए थे। आज देखिए, एक टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ बराबर होता है। एक मैग्नेट है, मैग्नेट का साउथ पोल है एस, नॉर्थ पोल है इसका पोल स्ट्रेंथ है एम, इसका सेंटर है मान लेते हैं ओ, इसका लेंथ को हम लोग 12 से डिनोट करते हैं, 12 से डिनोट करते हैं, और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लेंथ का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट किसको कहेंगे? कहता है द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है? ए पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के प्रोडक्ट को कहते हैं डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम इक्वल टू हो गया एम इंटू 12, जहां एम है उसका पोल स्ट्रेंथ है और 12 है इसका मैग्नेटिक लेंथ। अब जैसा कि आप जानते हैं, यह जो मैग्नेटिक लेंथ है, यह मैग्नेटिक लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो अब यहां क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। कहता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ 12, मतलब मैग्नेटिक लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वही डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक लेंथ का डायरेक्शन होता है, इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट ये क्या है? ये पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर इंटू लेंथ, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखें, क्या है? कहता है पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट। कहता है कि ए यदि कोई मैग्नेट है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है, कहता है ये किस पर डिपेंड करता है, तो इसके मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ, किसी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ उस मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब मैग्नेट थोड़ा ज्यादा मोटा रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा तो इसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट अलोंग इट्स लेंथ। जैसे कोई मैग्नेट है, मान लेते हैं मैग्नेट है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक लेंथ क्या है? मैग्नेटिक लेंथ 12 है, इसका पोल स्ट्रेंथ एम है।
कहता है इफ ए मैग्नेट इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अबाउट इसको दो भाग में हम बांट दें। कैसे बांटिएगा लेंथ के लव? इस तरह दो भाग में इसको हम बांट दें, एक भाग ए हो गया, दूसरा भाग ए हो गया। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम बताए थे, मैग्नेट को कितना भी भाग में काटिए फिर मैग्नेट के मैग्नेटे रहेगा, मतलब यहां ये साउथ पोल हो जाएगा, यहां ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, इसमें भी ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। लेकिन कहता है कि यदि इसको दो इक्वल पार्ट में काटेंगे तो मैग्नेटिक लेंथ तो ये 12 रह गए, इसका भी मैग्नेटिक लेंथ 12 रह गया, तो मैग्नेटिक लेंथ तो 12 रह गया, लेकिन ये जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जो एम है, अभी हम बताए पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए मैग्नेट। जब इसका लेंथ के अलोंग इसका काटते हैं, दो भाग में काटते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। जब क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा तो कहता है पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो जब इसका पोल स्ट्रेंथ एम है तो यहां पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा एम बाय टू, इसका भी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा एम बाय टू। अब हम लोग जरा डाइपोल मोमेंट के बारे में देखें। ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पहले वाला मैग्नेट का, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एम, एम इंटू ट्वेल्व हो गए। अब इसका देखिए हर एक पार्ट का एम डेस, इसका पोल स्ट्रेंथ कहता है कि हाफ हो गया, लंबाई तो वही है एम इंटू ट्वेल्व, तो एम इंटू ट्वेल्व, एम इंटू ट्वेल्व एम हो गया एम बाय टू। मतलब कह सकते हैं कि मैग्नेट, इफ ए मैग्नेट इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट अलोंग इट्स लेंथ, तो उसका मैग्नेटिक लेंथ ज्यों का त्यों रहेगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। लेंथ के लॉन्ग कोई मैग्नेट को दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में कटिंग करते हैं, तो उसका मैग्नेटिक लेंथ रिमेन सेम, पहले जैसा रहेगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। अब कह रहा है इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, लंबाई इसका 12 है। अब कहता है कि इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के अबाउट दो भाग में इसको हम बांटते हैं, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, तो ए भी साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो कहता है कि इसका यदि पोल स्ट्रेंथ एम है, तो इसका चूंकि हम लेंथ के परपेंडिकुलर इसको दो भाग में बांटते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही रह जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगा, इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ वही रह गया, लेकिन लेंथ इसका हाफ हो जाएगा, लेंथ इसका हाफ हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, लेंथ इसका हाफ हो जाएगा। तो अब जरा हम लोग देखें मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू ट्वेल्व, अब यहां हम लोग जरा देखें एम टू ये क्या हो गया। देखिए पोल स्ट्रेंथ तो वही है लेकिन लेंथ इसका हाफ हो गया, एल हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं एम इंटू ट्वेल्व बाय टू, तो ए हो गया एम बाय टू। इसका मतलब हो गया कि यदि हम इफ ए मैग्नेट इज कट इंटू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, कट इंटू टू, टू इक्वल पार्ट दो पार्ट में बांट दिया गया, टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा
इसका पोल स्ट्रेंथ जो पहले था वही रहेगा, लेंथ हाफ हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट पहले के हाफ हो गए। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या इसी को हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखें एक टर्म है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए एक टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह मैग्नेटिज्म में होता है, मैग्नेट में होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? कहता है कि द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए कंडक्टर कैरिंग करंट, एक मैग्नेट है साउथ पोल नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट है तो किसी दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो कहता है स्पेस अराउंड मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर, इस तरह का है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो कहता है कि मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस या जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चारों तरफ का स्पेस, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस और एक कंडक्टर कैरिंग करंट, एक कंडक्टर है करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ का स्पेस, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर भी बिहेव्स एज ए मैग्नेट, तो इसके चारों तरफ का स्पेस या एक कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जहां तक इसका अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस होगा, काम करेगा, इस चारों तरफ के स्पेस को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ का स्पेस जहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, इस चारों तरफ के स्पेस को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हाँ, एक चीज, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको याद होगा तो जैसे कोई पॉइंट चार्ज रहता है तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल होता है, लेकिन यहां तो चूंकि सिंगल पोल होता नहीं है, यहां जब भी होगा तो मैग्नेट होगा, डबल पोल होगा तो डबल पोल होगा, मैग्नेट होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्फेरिकल नहीं होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्फेरिकल नहीं होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पूरे स्पेस को हम लोग कहेंगे, कह दिए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके स्पेस के अंदर कुछ टर्म जानना है। एक टर्म होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? चारों तरफ तो स्पेस है, मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहिए, या इसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, या इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, या इसी को मैग्नेटिक फोर्स फील्ड कहते हैं, या इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, सब एक ही चीज। ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फोर्स फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो क्या कहता है? कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई हम यूनिट नॉर्थ पोल रखें, यूनिट नॉर्थ पोल रखें, तो इस मैग्नेट इस नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? मैग्नेट उस यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फिर से देख लीजिए, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई यूनिट
नॉर्थ पोल है, तो उस यूनिट नॉर्थ पोल पर इस मैग्नेट कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा, कितना या रिपेल करेगा, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वहां का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिट नॉर्थ पोल पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग लेते हैं लेट ए टेस्ट पोल। इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट पोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करते थे टेस्ट चार्ज, यहां क्या होता है टेस्ट पोल। इसको एम नॉट से डिनोट करते हैं, और इसका नेचर क्या होता है, नॉर्थ पोल के नेचर का ही होता है। टेस्ट पोल को हम लोग एम नॉट से डिनोट करते हैं और इसका नेचर होता है नॉर्थ पोल। तो अब मान लेते हैं यहां पर कोई टेस्ट पोल है, यहां पर कोई टेस्ट पोल है और फोर्स लग रहा है एफ। तो डिफिनेशन कहता है कि यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लगेगा, तो यूनिट नॉर्थ पोल पर एम नॉट पर फोर्स लग रहा है एफ, तो यूनिट पर फोर्स लगेगा एफ बाई एम नॉट। और यही यूनिट पर जो फोर्स लगता है इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या मैग्नेटिक फोर्स फील्ड कहते हैं, या फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेट ए टेस्ट पोल एम नॉट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू मैग्नेट के कारण कितना फोर्स लग रहा है एफ, तो कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट पोल, फोर्स बाय टेस्ट पोल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला हो गया एफ बाय टेस्ट पोल। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और टेस्ट पोल का भी हम बताए थे एम्पियर मीटर पोल का, तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, या इसी को बोला जाता है टेस्ला। ऐसा ही में इसका वैल्यू होता है टेस्ला, इसका यूनिट होता है। एक गॉस भी होता है, अदर यूनिट, अदर प्रैक्टिकल यूनिट एक है, प्रैक्टिकल यूनिट है गॉस। तो वन गॉस इक्वल टू होता है 10^-4 टेस्ला, या वन टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा 10^4 गॉस। तो ए हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दो तरह का हो सकता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
इसको इस तरह डिनोट किया जाता है पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन विथ इक्वी डिस्टेंस, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए। यह होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पूरे स्पेस में पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह बराबर होगा, इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, कैसे होगा, होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होगा। पैरेलल लाइन नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, यहां बी टू है, यहां बी थ्री है, या इस तरह का है, बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डिफरेंट एक सर्टेन एरिया के डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक समान नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग हमेशा जो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, जनरली मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है जनरली देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि ये प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में या प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में या इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है जनरली दो तरह का होता है, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो होता है, एक होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। डॉट का मतलब हो गया, डॉट का मतलब हो गया डॉट का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, और एक होता है परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड नॉर्मल. इनवर्ड नॉर्मल है, इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, क्रॉस से, क्रॉस से डिनोट करेंगे. क्रॉस का मतलब हो गया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है कहां, इनवर्ड नॉर्मल है, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के अंदर की ओर रहेगा तो क्रॉस से डिनोट करेंगे, यदि आउटवर्ड रहेगा तो उसको हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे. तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब एक और टर्म आ जाइए जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है,